नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। नेवी एक मिग 29 के विमान के गोवा तट पर क्रैश होने की जानकारी मिली है। नेवी ने बताया कि मिग रूटीन फ्लाइट के तहत समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। बेस पर लौटते समय इसमें तकनीकी खराबी आ गई, इसके बाद पायलट ने खुद को सेफली इजेक्ट कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी आंदोलन के महानायक राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम गांधी, लोहिया और जेपी के विचारों से प्रभावित रहे हैं और उन्हीं के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर से 45 किलोमीटर दूर घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र का कीताडेह गांव, यहां के 8 लोगों की आंखों की रोशनी सिस्टम ने छीन ली है। दरअसल 11 माह पूर्व आंख के इलाज के नाम पर इस गांव के 8 बुजुर्गों के साथ बढ़ती गई लापरवाही का मामला सामने आया है। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर खतरनाक रसेल वाइपर सांप मिला है। इस बार गोपालपुर के एक गांव में मंदिर के पास फुफकार मारते रसेल वाइपर को देखा गया है, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ा और अपने साथ ले गई। यह सांप भागलपुर में कुछ ही दिन पहले भी पकड़ा गया था। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के सरकारी आवास समेत दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की। इस दौरान चौंकाने वाला वाकया हुआ। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3-4 पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष के घर के पीछे गए, जहां झाड़ियों से एक भरा हुआ बोरा बरामद कर अंदर लाया गया। कुछ ने बताया कि घर की छत के एक खाली पानी टंकी को भी खंगाला गया, जहां से एक बैग बरामद की गई है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। हाल ही में दोनों की अलगाव की खबरें उड़ी, जिससे फैंस हैरान नजर आए। इसके बाद इस कपल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसी अफवाहों से किनारा किया। अब दीपिका ने पूर्व अभिनेत्री मेघन मार्कल डचेस ऑफ ससेक्स के साथ एक विशेष पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। सारण जिले के सिताब दियारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रहे पुलिस बल ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे दुखद रहा कि घटना के बाद घायलों की मदद की बजाय पुलिस बल बस से उतरकर भाग निकले। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट के सवाल पर जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि यह अफवाह जानबूझकर फैलाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की बदनामी करने का है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के कारण राज्य सरकार को पुरजोर झटका लगा है। डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि कोयला तस्करी मामले में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ सीआईडी जांच नहीं कर सकती है। उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस एयर शो में राफेल और जैगुआर सहित कई लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के इस करतब से पड़ोसी देश पाकिस्तान दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएगा। 6 लेन के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर को शुरू करने की तैयारी है। इस कार्य को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कानपुर से लखनऊ तक का सफर सिर्फ 40 से 45 में पूरा हो जाएगा। सौरभ गांगुली के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। टीएमसी का कहना है कि भाजपा ने कई बार गांगुली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी। पार्टी का कहना है कि पूर्व क्रिकेटर राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के साथ ही पंजाब और हरियाणा कोच से दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भी राहत मिल गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दिया है। आशीष शेलार नया नाम है जो बीसीसीआई के प्रशासक टीम में शामिल होने वाला है। इससे पहले वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का भी हिस्सा रहे हैं। सौरभ गांगुली के इस्तीफे को लेकर भी तमाम तरह की चर्चा है। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को बाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस दौरान इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता भी बताया था। प्रधानमंत्री और दोनों सेना प्रमुख एक नए तरह के युद्ध की बात कर रहे हैं, जिसे ग्रे जोन वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर जैसे नाम दिए गए हैं। यह लड़ाई दिमागी ज्यादा है, जिसमें गलत सूचनाओं के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश की जाती है। इंटरनेट और मोबाइल इस युद्ध के बड़े हथियार बन गए हैं। इंटरनेट का यह दुरुपयोग देश और समाज के लिए खतरा बन गया है। पिछले कुछ महीने से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मान की जोड़ी यहां पंजाब में उनके साथ माह के कार्यकाल में हुए बदलाव के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। वहीं राज्य में उनकी घेराबंदी उतनी ही उग्र होती जा रही है।
साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज द्वारा एक साल के लिए इंडस्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में उन्होंने बिग बॉस के जरिए इंडस्ट्री में वापसी करने का फैसला लिया, लेकिन उनके बिग बॉस में आने को लेकर बवाल खड़ा हो गया, इसलिए FWICE ने अनुराग ठाकुर को एक पत्र लिखा है। दिल्ली में हुए दंगों के बाद अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने वाले जज का ट्रांसफर केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। म्यांमार की एक सैन्य नियंत्रित अदालत ने अपदस्थ 77 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की एक स्थानीय व्यवसायी से रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर 3 साल और जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को नेपिडो में अदालत ने भ्रष्टाचार के 2 आरोपों में दोषी ठहराया था। अलगाववादी संगठनों पर भारत के खिलाफ साजिश के आरोप के बाद इससे जुड़े तमाम संगठनों को भारत सरकार ने बैन किया है। इस बीच खालिस्तान के कट्टर समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारतीय एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है। इंटरपोल ने पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। गोपाल राय ने कहा कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण की समस्या किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं है। राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन प्रदूषण की कोई सीमा नहीं है। भारतीय रेल ने 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 तक यात्री श्रेणी से बंपर कमाई की है। अनारक्षित श्रेणी से होने वाली कमाई में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के कई हिस्सों में अक्टूबर के महीने में भी बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश हो रही है। देश के ज्यादातर राज्य उसकी चपेट में आ गए हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और देश के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक बारिश ऐसा कहर बरपा रही है कि अक्टूबर के महीने में जून जुलाई और अगस्त जैसा मंजर नजर आने लगा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दुष्कर्म की धमकी मिली है। टेलीविजन प्रोग्राम बिग बॉस में से प्रतियोगी और फिल्म निर्माता साजिद खान को बाहर करने को लेकर प्रसार मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद से उनको इंस्टाग्राम पर धमकियां मिल रही हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। चीन ने एक बार फिर कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही देश ने नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 और BF.5.1.7 का पता लगाया है, जो अधिक संप्रेषणीयता के साथ अत्यधिक संक्रामक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर अगरतला पहुंची। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अगरतला के MBB हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। इसके बाद MBB हवाई अड्डे के टर्मिनल पर त्रिपुरा पुलिस की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। CBI ने ANM एग्रोकिम फूड लिमिटेड के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। कोलकाता से पशु तस्करी मामले की जांच कर रहे अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को बोलपुर के शांति निकेतन पहुंचा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत का अगला वार्षिक बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस प्रकार बनाना होगा जिससे कि देश की वृद्धि की रफ्तार कायम रहे। उन्होंने कहा कि इससे मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से बचने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपायुक्त अवनी लवासा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि जम्मू में जो भी शख्स 1 साल से अधिक समय से रह रहा है उसे नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाए। उनके इस फैसले के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी 1 साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंसरुल हक, दीपक कुमार, राकेश शर्मा, अवरजीत आनंद, रविशंकर, सुजीत कुमार झा, नुनू कुमार, मुकेश मौर्य, KK सिन्हा, भान प्रकाश मौर्य, रंजीत कुमार ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान और मुटू रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके प्रिय नेता कौन है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।